बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मेरा टॉपिक है बाइनरी रिलेशन। बाइनरी रिलेशन क्या है, इसके हम पहले डेफिनेशन करते हैं और उसके बाद इसकी डोमेन और रेंज भी डिस्कस करते हैं। बाइनरी रिलेशन की डेफिनेशन है लेट ए एंड बी एनी two non-empty sets then a non-empty subset R of A cross B is said to be the binary relation from A to B। Binary relation को हम simply relation भी कहते हैं। Binary relation से क्या मतलब है, पहले दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं ए और बी, उनकी आप कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं और कार्टेशियन प्रोडक्ट लेने के बाद बहुत सारे उसके सबसेट्स बन सकते हैं। उन सबसेट्स की में से कोई एक सबसेट लें तो बाइनरी रिलेशन कहलाएगा, कोई और लें वो दूसरा बाइनरी रिलेशन कहलाएगा, कोई और लें उसका तीसरा बाइनरी रिलेशन कहलाएगा। आपको ये पता है कि जो सबसेट ए क्रॉस बी जो होगा उसमें चूँकि ऑर्डर पेयर्स होंगे और इसलिए उसके सबसेट्स में भी ऑर्डर पेयर ही होंगे। इसको समझने के लिए अगर हम एक एग्जांपल ले लें, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है कि जब भी आप कोई डेफिनेशन लेते हैं तो उसकी एग्जांपल भी फिर देते हैं। फर्ज करें सेट ए है ए बी और सेट सी है 1 2 3, देन फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट मालूम करनी है ए क्रॉस बी, वो आपको आती है। ए वन ऑर्डर पेयर आएगा, ए वन फिर ए टू फिर ए थ्री, यानी आपने सेट ए का ए जो है उसको 1 2 3 के साथ अप्लाई कर दिया है। इसी तरह सेट बी का, सेट ए का सेकंड एलिमेंट जो है उसे आप अप्लाई कर दें बी वन B2 एंड B3, ये आपके पास आ गया A क्रॉस बी। A क्रॉस बी में कैसे करेंगे, ऑर्डर पेयर जाएंगे, इसको हम ऑर्डर पेयर कहते हैं। इसमें पहला एलिमेंट A का होगा, दूसरा B का होगा। तो करते ये हैं कि पहले एलिमेंट A का एक लिख के B के सारे लगा देते हैं उसके साथ, फिर A का दूसरा एलिमेंट लिख के B के सारे लगा देते हैं और इसी तरह हम आगे करते जाते हैं। अब ये तो आ गया A क्रॉस बी। इस A क्रॉस बी का कोई भी सबसेट नहीं, सबसेट से मराद क्या होती है, ऐसा सेट जिसके तमाम एलिमेंट्स इसमें शामिल हों। मिसाल के तौर पे मैं एक सेट लेता हूँ R1 जो इसका सबसेट है। फर्ज करें मैं ये ले लेता हूँ A1 और B2, ये इसका सबसेट है। यस, ये इसका सबसेट है। ये रिलेशन है फ्रॉम A टू B। तो रिलेशन की क्या डेफिनेशन थी, एनी सबसेट ऑफ A क्रॉस B, any non-empty subset of A cross B is said to be the relation from A to B, provided both A and B are non-empty sets। आप कुछ और भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि यही लेनी है, एक और रिलेशन भी ले सकते हैं आप। ये जो है is a relation, binary relation को हम simply relation भी कहते हैं, from A to B। इसको आप बाइनरी रिलेशन भी कह सकते हैं, सिंपल रिलेशन भी कह सकते हैं। इसी तरह R2 एक और ले लेते हैं आप, इसमें आप लेते हैं A3 B1 और B2 और इवन चले B3 भी ले लें आप। तो R2 जो है इज आल्सो अ बाइनरी relation from A
टू बी, बाइनरी रिलेशन को आप सिंपली रिलेशन कहें तब भी एक ही बात। मेरा ख्याल आपको समझ आ गई है कि बाइनरी रिलेशन से क्या मुराद है। दो नॉन एम्प्टी सेट्स ए और बी लेते हैं, उनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी लेते हैं, फिर ए क्रॉस बी के कोई भी आप सबसेट लेंगे तो वो क्या कहलाएगा, उसकी बाइनरी रिलेशन कहलाएगी फ्रॉम ए टू बी, और एक से ज़्यादा बाइनरी रिलेशन बन सकती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं डोमेन ऑफ रिलेशन, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डोमेन ऑफ रिलेशन या बाइनरी रिलेशन, देखें ये जो R1 है इसमें दो ही एलिमेंट्स हैं A1 और B, ये याद रखिएगा चार एलिमेंट्स नहीं, R1 में दो एलिमेंट्स हैं। पहला एलिमेंट R1 का है A1, एक ऑर्डर पे, ये एक एलिमेंट है R1 का। दूसरा एलिमेंट है R1 का B2, यानी R1 के दो एलिमेंट्स हैं, चार नहीं। अच्छा, ये जो दो ऑर्डर पेयर्स हैं R1 के, इनमें जो पहले एलिमेंट्स हैं उनका सेट बना लिया जाए तो वो क्या कहलाता है, डोमेन ऑफ R1। इसी तरह जो इसके सेकंड एलिमेंट्स हैं उनका ऑर्डर पेयर के जो सेकंड एलिमेंट्स हैं उनका सेट बना लिया जाए तो वो उसकी रेंज कहलाता है। तो फिर डोमेन की डेफिनेशन प्रॉपर जो है वो लिखते हैं, जी डोमेन की डेफिनेशन, डोमेन ऑफ अ रिलेशन आर इज अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स इन आर, यानी आर के जितने भी ऑर्डर पेयर्स हैं उनमें जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं उनका सेट जो है वो उसकी डोमेन कहलाती है। डोमेन ऑफ अ रिलेशन आर इज अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑल आउटर पेयर्स इन आर, इट इज डिनोटेड बाय डोमेन ऑफ आर। अब ये जो आर वन है इसकी एग्जाम्पल क्या होगी, या इसी की एग्जाम्पल ले लेते हैं। If R is equal to A1, B2, A3, then domain of R is a set AB। इसमें याद रखें R में ऑर्डर पेयर आएंगे लेकिन डोमेन में ऑर्डर पेयर्स नहीं आएंगे। क्या करना क्या था, ये जो रिलेशन है इसमें ऑर्डर पेयर्स, तमाम ऑर्डर पेयर्स के जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं उनका सेट बनाना है। एक ऑर्डर पेयर ये है ए वन, इसका फर्स्ट एलिमेंट ए है, वो मैंने सेट में लिख दिया। इसका दूसरा ऑर्डर पेयर बी है, बी टू है, उसका फर्स्ट एलिमेंट बी है, वो भी मैंने लिख दिया। इस आर का तीसरा ऑर्डर पेयर जो है वो ए थ्री है, उसका फर्स्ट एलिमेंट ए है, वो ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, अब इसे दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। होपफुली आपको समझ आ गई, अगर ये समझ आ गई है तो रेंज ऑफ रिलेशन हम उसकी डेफिनेशन करते हैं। रेंज ऑफ रिलेशन उसी तरह ही कर सकते हैं, रेंज ऑफ अ रिलेशन आर इज अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ सेकेंड एलिमेंट्स
ऑफ r ऑर्डर पेयर्स इन r. It is denoted by range of R. तो हमारे केस में रेंज क्या होगी? रेंज ऑफ R इज इक्वल टू 1, 2, 3. डोमेन में क्या करते हैं? जो रिलेशन बाइनरी रिलेशन है, जो बाइनरी रिलेशन है उसके तमाम ऑर्डर पेयर्स के फर्स्ट एलिमेंट्स लिखते हैं डोमेन में, और जो बाइनरी रिलेशन है उसके तमाम ऑर्डर पेयर्स के सेकंड एलिमेंट लिखते हैं रेंज में. तो ये आपके पास बाइनरी रिलेशन आर थी. a1 b2 a3, इसके जो ऑर्डर पेयर्स हैं उनके सेकंड एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3 हैं. तो रेंज में एलिमेंट्स आ गए आपके पास 1, 2, 3. अब ये तो बाइनरी रिलेशन की डेफिनेशन, उसकी डोमेन और उसकी रेंज की डेफिनेशन हमने पढ़ ली. बाइनरी रिलेशन क्या हुई? एनी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी सेट टू बी बाइनरी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी. और वो जो बाइनरी रिलेशन है उसके ऑर्डर पेयर्स के फर्स्ट एलिमेंट्स सारे का सेट बना दिया जाए तो उसकी डोमेन कहलाएगी, और उसके ऑर्डर पेयर्स के सेकंड एलिमेंट्स सारे का सेट बना दिया जाए तो वो उसकी रेंज कहलाएगी. और बुक में कुछ एग्जांपल्स हैं वो ज़रा चेक करते हैं. जी तो एग्जांपल नंबर 1 है, सपोज ए इज इक्वल टू 2, 3, 4, 5 एंड बी इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8. ये सेट एयर बी दिए हुए फॉर्म आर रिलेशन आर सच दैट फ्रॉम ए टू बी. इसको पढ़ेंगे आर सच दैट फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू एक्स रिलेट्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स और एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी. बहुत मुश्किल बना के दे दी है, आसान कर देता हूँ मैं आपको. आपने ये मालूम करना है रिलेशन आर जिसमें ऑब्वियसली ऑर्डर पेयर्स होते हैं ना एक्स और वाई सच दैट, वो कहता है एक्स बिलोंग टू ए वाई बिलोंग्स टू बी, और एक और इंफॉर्मेशन दी हुई है कि वाई इज इक्वल टू 2x. यानी आर फिर क्या हो जाएगी आपके पास एक्स, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x, y की जगह 2x आ जाएगा. सच दैट x बिलोंग टू a, और दूसरा जारी बात है x बिलोंग टू a है एंड 2x बिलोंग टू b है. अभी भी शायद आपको समझ नहीं आई. देखिए उसने करेक्टर ये दिया हुआ था x रिलेट्स y से, मुराद ये है कि ऑर्डर पेयर जो r का आएगा उसमें पहला एलिमेंट x होगा दूसरा y होगा. जो ऑर्डर पेयर r में आएगा, आपको पता है कि रिलेशन में ऑर्डर पेयर आते हैं, पहला एलिमेंट x होगा दूसरा y होगा. ऑब्वियसली x जो पहला एलिमेंट होता है वो a का एलिमेंट होता है, दूसरा जो होता है y वो b का होता है. y के बारे में उसने बताया कि वो 2x के इक्वल है. y जो है वो किसके इक्वल है? 2x. अब r जो है वो x y, x belongs to a, y belongs to b and y is equal to 2x. देखते हैं हम जरा, ये इसका मतलब है कि y की जगह हमने 2x लगाना है. तो यहाँ जो x लगाना है उसका ट्वाइस यहाँ पे लगाना है, लेकिन शर्त ये हो कि वो b में मौजूद है. x लगाएंगे, अब फर्ज करें इस रिलेशन में मैं x में पहला ऑर्डर पेयर जो है x a का एलिमेंट लगाना है, मैंने 2 लगाऊं तो 2 का ट्वाइस b में मौजूद है. जी मौजूद है, यानी पहला एलिमेंट मेरे पास आएगा x का 2 और b का क्या आएगा 4. ए का एलिमेंट मैंने पहला ऑर्डर पेयर ए की जगह 2 लगाया तो उसका ट्वाइस लगाना है इधर, लेकिन वो ज़रूरी हो कि बी में मौजूद हो. इसी तरह मैं ए का लगाता हूँ 3. अगर मैं ऑर्डर पेयर में ए का 3 लगाऊँ तो क्या उसका ट्वाइस इधर मौजूद है? जी मौजूद है. ए का मैंने 3 लगाया तो ए का ट्वाइस बी में मौजूद है. फिर ए का मैं लगा रहा हूँ 4, वो इसलिए लगा रहा हूँ कि उसका ट्वाइस 8 जो है बी मौजूद है. देखें ऑर्डर पेयर में जो रिलेशन में ऑर्डर पेयर में पहले एलिमेंट्स आने थे वो ए के आने थे,
मैंने ए का टू इसलिए लगाया कि उसका ट्वाइस बी में मौजूद था फोर, क्योंकि मुझे यहाँ ए का ट्वाइस लगाना है, ये ए का एलिमेंट है और ये उसका ट्वाइस है। ए का एलिमेंट मैंने टू लगाया, उसका ट्वाइस फोर बी में मौजूद था इसलिए लगा दिया ए। अगर मैं ए का थ्री लगाऊं तो उसका ट्वाइस उस बी में मौजूद है, वो भी लगा दिया सिक्स। ए का फर्स्ट एलिमेंट फोर लगाया तो बी उसका ट्वाइस मौजूद है। यहाँ ऑर्डर पेयर में फाइव लग सकेगा, ये नहीं लग सकेगा। अगर आप ये चाहें फाइव लगाएं तो यहाँ टेन लगना है। एक एलिमेंट पहला एलिमेंट टू भी लगा दिया, थ्री भी लगा दिया, फोर भी लगा दिया। अब फाइव लगाऊं तो फाइव का ट्वाइस आना है यहाँ पे टेन, और टेन तो बी में मौजूद ही नहीं है, लिहाजा ये नहीं लग सकेगा। तो होपफुली आपको ये बात क्लियर हो गई है। तो जो रिलेशन उसने मांगी थी हमें वो ये आ गई, जिस कंडीशन के तहत उसने रिलेशन हमसे फाइंड की थी वही आ गई। अब अगर इसकी डोमेन निकालनी चाहिए तो डोमेन क्या होगी इसकी, डोमेन ऑफ आर वो सेट है टू थ्री और फोर, और फिर रेंज ऑफ आर वो है फोर सिक्स और एट। आर की डोमेन में लिखेंगे टू थ्री फोर, आर की रेंज में लिखेंगे फोर सिक्स एट। तो होपफुली ये तो एग्जांपल आपको समझ आ गई है, एग्जांपल नंबर वन थी। नेक्स्ट एग्जांपल टू देखते हैं। जी एग्जांपल टू देखने से पहले आप एक चीज नोट करें कि जो डोमेन है वो सबसेट है आर ए का, आर की डोमेन है वो सबसेट है ए का, क्योंकि डोमेन का हर एलिमेंट टू थ्री फोर वो ए में मौजूद है, और जो रेंज है वो सबसेट है बी का, क्योंकि बी का हर रेंज का हर एलिमेंट जो है फोर सिक्स एट वो किस में मौजूद है, बी में। तो चलिए आज का लेक्चर हम यहीं वाइंड अप करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम एग्जांपल नंबर टू से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।